नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा 25 खबरें। दिल्ली हिंसा का आरोपी लक्का से दाना फिराया सामने, वीडियो अपलोड कर किसान आंदोलन और पंजाबी भाषा पर बात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को किसानों से मिलेंगे, कृषि कानून को लेकर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की बैठक, बैठक में आंदोलन का जिक्र, पीएम मोदी बोले किसानों को गाइड करने की जरूरत। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 11 लाख, कार सेवकों पर गोलीकांड को बताया दुखद। 34 दिन बीतने के बाद प्रशासन की नींद खुली, एसआईटी करेगी भोपाल निर्भया केस की जांच, डीआईजी ने मानी टीआई की लापरवाही। नीतीश के मंत्री ने दिया अजब बयान, महंगाई से परेशान नहीं जनता, हो जाती है इसकी आदत। नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर दिया सुझाव, कहा हर महीने बचेंगे 30 करोड़ रुपए। भोपाल नगर निगम का टैक्स वसूलने का नया तरीका, घर के बाहर बजेगा बैंड बाजा, दीवारों पर लगेंगे पोस्टर। गाजियाबाद जिले के लोनी थाना पुलिस ने नामी कंपनियों की नकली किताब छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी, 4 करोड़ की किताबें बरामद। ननकाना साहिब के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले जत्थे पर रोक, कुंभ पर उठे सवाल, केंद्र के फैसले से बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। बिहार 10वीं बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर लीक, सीएम नीतीश की फटकार के बाद बोर्ड ने रद्द की परीक्षा, 3 बैंक कर्मी गिरफ्तार। कंगना रनौत पर दिग्विजय सिंह का तंज, पूछा ये कंगना कौन है। गुजरात चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल का गुजराती में ट्वीट, एक बार आपको मौका दें। नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने का किया ऐलान, स्थानीय लोगों ने खुशी की जाहिर। दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद का नाम बदलने के ऐलान पर उठाया सवाल, कहा नाटक नौटंकी बंद करे बीजेपी। महाराष्ट्र की एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिना इजाजत कर रहे थे प्रदर्शन। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,993 नए मामले, 101 की हुई मौत। मुंबई में लगातार 12वें दिन बढ़ी तेल की कीमतें, पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 39 पैसे हुआ महंगा, दिल्ली में 90.58 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। मास्क ना पहनने और बिना हेलमेट गाड़ी चलाना अभिनेता को पड़ा भारी, विवेक ओबेरॉय पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंसानियत शर्मसार, गार्ड ने महिला के साथ की बदसलूकी, 300 मीटर घसीट कर जिला अस्पताल से निकाला। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने बसपा के पूर्व सांसद पर लगाया बदसलूकी का आरोप, पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर शिकायत कराई दर्ज। आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बांटे गए लड्डू, बीजेपी टीडीपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड पुलिस की महिला कमांडो फोर्स को एनएसजी की तरह मिल रही ट्रेनिंग, आतंकियों को देगी मुंह तोड़ जवाब। पेंगोंग से हटने के बाद भारत चीन के बीच गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसांग पर बातचीत हुई शुरू।